देखो बेटू, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन। हमने कहा ईच किडनी, ओके मैं स्टेबल करती हूँ, ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, यानी कि क्या हुआ बेटू, यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल था, रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आई, और इसके ऊपर कैपिलरीज बना रही, जिन कैपिलरीज को क्या कहते हैं मेरा बच्चा, दीज कैपिलरीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस। देखो इन कैपिलरीज ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरस कहते हैं। देखो इनका बेसिक काम क्या है, इनका बेसिक काम है प्रेशर बनाना। देखो भाई मैं एक बहुत अच्छी बात समझाती हूँ, खून यहाँ आया और बहुत प्रेशर बन जाएगा, इतना प्रेशर बनेगा कि दबाव से जैसे लिम्फ सिस्टम के आया था ना नीचे, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट, क्या आ जाएगा, वर्ड है प्रॉपर, द वर्ड इज फिल्ट्रेट। अ फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड ओवर हेयर दैट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। मैं हमेशा से कहती हूँ जिसको यूरिन फॉर्मेशन समझना हो उसको दिमाग में बड़ी अजीब सी एक्टिविटी समझनी पड़ेगी, एक ग्लास पानी और उसके अंदर एक पनीर का टुकड़ा लो, हाथ से क्रश करो, छोड़ दो, अब उसको चम्मच से मिलाओ और एक कपड़े से छानना शुरू करो। जब उसको कपड़े से ऊपर से ऐसे नीचे डालोगे तो नीचे क्या रह जाएगा, पानी, और कपड़े के ऊपर क्या रह जाएगा बेटू, पनीर। अब उस कपड़े को ऐसे बंच में रोल करो, घर में मम्मी को पनीर बनाते दिखाओ, और घुमाना शुरू करो, और घुमाओ और घुमाओ, पानी नीचे निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और निकलता जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप जितना और प्रेशर से दबाओगे, पानी के साथ साथ छोटे छोटे छेदों से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, पनीर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, फिल्ट्रेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आएगा फिल्ट्रेट। एंड दैट फिल्ट्रेट कोई बात नहीं, लेबल इतनी नहीं है ना, कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। इतनी सी कहानी है बस, और कोई कहानी नहीं। अब देखो भैया, अब क्या हुआ, अब ये ब्लड वेसल इसके चारों तरफ लिपट गए। क्यों लिपटेंगे, क्योंकि इनको दो काम करना है। देखो पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ विच इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया उस टॉपिक को क्या कहता है मेरा बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको बहुत आराम से शांति से बताना, भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, द ब्लड इज फिल्टर्ड विद हाई प्रेशर। ब्लड किससे फिल्टर हुआ, हाई प्रेशर से हुआ, इन नेफ्रॉन, इन ग्लोमेरस, एंड द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन, कहाँ कलेक्ट हुआ, बॉमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हुआ, कहाँ कलेक्ट हुआ, बॉमेंस कैप्सूल, मेरे चेहरे पे नहीं, डायग्राम पे है ना, बॉमेंस कैप्सूल का ये फंक्शन क्या, ठीक है ना बेटू, द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन बॉमेंस कैप्सूल। ये दब जा, नहीं दब, ये दब नहीं जाता, ये कलेक्ट करता, कैप्सूल है ऐसे कटोरी सी समझ लो बेटू, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर लगा, यहाँ पे दबके छन कर आ गया, एंड इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आ गया, ये देख डॉट डॉट नहीं बनाई मैंने ब्लू कलर की। अब हार्मफुल कहाँ पर है, इस फिल्ट्रेट में दोनों चीजें, यूजफुल भी और हार्मफुल भी। अब ब्लड में भी दोनों चीजें रह गई, पूरी तरह से तो नहीं छना, कुछ यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। अब तुम सोच के देखो, ब्लड में यूजफुल को रहना चाहिए कि हार्मफुल को, और यहाँ पे नेफ्रॉन में यूजफुल को रहना चाहिए कि हार्मफुल। अब एक्सचेंज, कितनी समझदार वाली बात बोली, अब एक्सचेंज का काम हो जाएगा। तो पहला काम क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर हुआ भैया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन विद हाई प्रेशर। हेलो ये यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक है ना। देखो भैया हाई प्रेशर से फिल्ट्रेशन हुआ, और भैया यूरिन, ये फिल्ट्रेट कहाँ पर आ गया, बॉमेंस कैप्सूल में, जिसमें यूजफुल भी सब्सटेंस थे और हार्मफुल भी सब्सटेंस थे। अब क्या हुआ बेटू, ये जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये चारों तरफ घूमेंगे, इसके ऐसे रैंडम इसके बना ऊपर देना, मुझे इसके ऊपर बना रैंडम बना देना, दो कोशिश वी करके मतलब ऐसा सा वैक्सीनेशन। बनाना कि टीचर को, देखने वाले को समझ में आए कि तुमने क्या बताया, बस इतना सा काम कर। यहाँ से अब ये जो लास्ट का बचा हुआ पोर्शन है, क्या मैं ये बताऊं या फिर हम, क्या नाम है इसका, ये बच्चा बता देगा तुषार, दैट इज रीनल वेन। ये तुषार का पहला डाउट था जो पिछले टॉपिक में था जो मैंने छोड़ दिया था, आर्टरी से वेन, इम्प्योर ब्लड लेकर आती थी तो कौन सी थी, आर्टरी, और जब सब साफ सफाई होकर वापस जाएगा तो क्या जाएगी, वेन हो जाएगी। अब क्लियर है। अच्छा भैया अब देखो यहाँ पर दो तीन काम है। हर्ष ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा, एक एफरेंट आर्टरियोल होता था और एक इफरेंट आर्टरियोल होता था। हर्ष यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट नहीं होते थे, यहाँ पर होते थे, ये जब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चे,
हाँ जब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल ए होता है, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल ई होता है, यहाँ पे एफरेंट नहीं थिक होता है, इफरेंट थिन होता है, वो यहाँ पर होते थे हर्ष, यहाँ पे नहीं होते थे मेरे बेटे। और कोई डाउट? है। नहीं है, नहीं तो भी नहीं करा रही मैं, नहीं करा देती, इतना कराया था तो बस, इतना बड़े प्यार से थिक करते चले जाओ, फिर थिक करते चले जाओ। देखो मेरे भैया, पे पहला वर्ड तुमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा, फिल्ट्रेशन विद हाई प्रेशर। दूसरा वर्ड क्या है? ब्लड कैपिलरीज। अब क्या हुआ, यहां पर आया तो दूसरा प्रोसेस होगा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी इसका मतलब समझ जाएगा। री मतलब दोबारा, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो जाना, ट्यूब से दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाना। तो क्या एब्जॉर्ब होगा भैया? काम की चीज के बेकार चीज? काम की चीज एब्जॉर्ब होगी भाई, वेस्ट का क्या करेगा एब्जॉर्ब ट्यूब करके? क्या ट्यूब ग्रे होगा? कलर देखो मेरी बात, नीला वाला ट्यूब है ना। अच्छा नहीं नीला वाला ट्यूब नहीं है, रेड वाला ट्यूब। देख रेड से इसलिए लेबल करा मेरे, नीले वाला क्या? ब्लड है देसी। रेड वाला तो हार्मफुल है। हाँ रेड वाला, हाँ रेड रेड में वाला हार्मफुल की जरूरत है और ब्लू में यूज अभी यूजफुल आपने की। बोला कि तो यूजफुल होना हाँ, चाहिए। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब से किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन होगा? हार्मफुल था ट्यूब में क्या है यूजफुल और हार्मफुल? रहने क्या चाहिए, यूजफुल क्या ट्यूब हार्मफुल? तेज करने ट्यूब वाला से, हाँ, ब्लड यानी देना कि नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से? ट्यूब ट्यूबुलर पार्ट से, टिश्यू टिश्यू मैम, अभी ब्लड में जो हार्मफुल है वो कैसे? बताती हूँ मैं। ब्लड में चला गया, क्या चला गया बेटा? यूजफुल चला गया, यूजफुल सब्सटेंसेस। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। अगला वर्ड क्या कहता है मेरा बेटू? अगला वर्ड कहता है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूब में क्या होगा बेटा? सिक्रीट होगा, ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। सिक्रीट क्या होगा? वेस्ट होगा। कहां से कहां सिक्रीट होगा बेटा? वेस्ट ब्लड ब्लड से, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट, NABH और ओ। ये बहुत ही अच्छा पूछा। देखो बेटा, ब्लड यहां से गया रीनल आर्टरी के थ्रू, अब ये चारों तरफ इसके लिपटा हुआ है। लिपटा हुआ होने की वजह से, वो लिपटा हुआ ही इसलिए सो दैट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस, एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। अब ये लिपटा हुआ एक्सचेंज होता रहेगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, और ट्यूबुलर क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसके साथ साथ तुम्हारा यूरिन बन गया। अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचता है, द लास्ट स्टेप इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। कोई छोटा बच्चा होगा ना, उसको वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब नहीं पता होगा ना, तुम लोगों को तो पता ही होगा। अभी अभी हमने हाँ ऑस्मोसिस सर, डिस्कस किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था, उसमें वर्ड दो डिस्कस करे थे, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो वाटर दैट इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मेरे सॉल्ट एंड वाटर, या सॉल्ट और वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करना। और भैया ये तुमने टॉपिक कौन सा कंप्लीट कर लिया? यूरिन फॉर्मेशन। को क्या बेटू? एक्सचेंज हुआ है जो ना, एक्सचेंज होता है ना बेटू, वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अच्छा थ्रू होता है। बेटा हाँ बिल्कुल भैया, देखो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती है, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है, अपने आप हो जाता है। पर यहाँ पे तो नहीं है हायर टू लोअर, यहाँ पे तो भैया वेस्ट नेफ्रॉन में तो ज्यादा था और ब्लड से गया। पर ये कनेक्टेड भी नहीं है, कोई बात नहीं, कनेक्टेड होने की जरूरत तो नहीं है, चले तो बस नहीं दे बीच रहे। में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने की जरूरत है, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। आ गया मैं तो समझ में? किसी को डाउट तो नहीं बचता? और कोई डाउट से तो पूछ सकते हो आप। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, भगवान का नाम लो और खत्म करो, दैट इज एक्सक्रीशन इन। बहुत चला गया बहुत आपने तो। लकी बच्चे होते हैं, एज इट इज पेपर में आता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। दो ही नंबर का क्वेश्चन है और दो ही नंबर का आंसर, और सीधा आता है, कोई क्वेश्चन घुमावदार नहीं आता, ठीक है भैया? देखो भैया, प्लांट्स भी अपना वेस्ट रिमूव करते हैं भाई एक्सक्रीशन से। क्या क्या तरीका है? बाय ब्लड तो होता शेडिंग द नहीं, लीव्स। हाँ ब्लड इनमें ब्लड नहीं होता, पर वेस्ट तो बनता है ना, वेस्ट ब्लड की वजह से नहीं बनता था, रिएक्शंस की वजह से।
लीव्स शेड कर देते हैं। देखो भैया इनको पता पत्ते झड़ेंगे, उन पत्तों में अपना वेस्ट डाल देते हैं, वेस्ट झड़ता पत्ते झड़ जाते हैं। दूसरा वर्ड क्या कहता है, बाय पूरे के पूरे गम्स, साल। पूरे के पूरे साल पत्ते झड़ते रहते हैं भैया। सबसे ज्यादा पत्ते एक सीजन में झड़ते हैं, वो सीजन का रीजन है, वरना तो पत्ते झड़ते ही झड़ते हैं। बाय गम्स एंड रेसन्स, ये सबको पता होना चाहिए, ये पर्टिकुलर भी होते हैं ना पत्ते बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, गम्स एंड रेसन्स भी हैं भैया जो वेस्ट की तरह निकलते हैं। दूसरा है बाय रिमूविंग, खाते हैं। हम खा लेते हैं भैया, हम गम्स भी खा लेते हैं, डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी की होती है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है, हम खा लेते हैं। ये जो तुम गूंद के लड्डू खाते हो ना, ये प्लांट का वेस्ट होता है। कौन से है ये लड्डू? गूंद के लड्डू को पंजाबियों में, पर अपने तो पंजाबियों में नहीं कहते, आटे के लड्डू, पिन्नी पिन्नी पिन्नी, हाँ पंजाबियों में पिन्नी कहते हैं, और आपने तो आटे के लड्डू, गूंद के लड्डू कहते हैं बने। बाय रिमूविंग, मयंक तो खाता नहीं है, बार्क ऑफ द ट्री, भैया ट्री की बार्क को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है गोल्ड लड्डू होता है देखा देखा, समटाइम्स तो कोका कोला जमा के खा लेता है ऑल्सो वो कोला एक्सक्रीट प्लस वेस्ट अराउंड देम इन सॉइल, या सॉइल के अंदर चारों तरफ क्या करता है, वेस्ट एक्सक्रीट। यार ये अपन ने एक है ना 7th 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा था, इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती। ठीक है भैया, दैट इंडिगो प्लांटेशन फार्मर नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि जिस मिट्टी में इंडिगो उगती थी वो मिट्टी इंग्लिश बेकार हो जाती थी। इंग्लिश हाँ, तो उसकी खादी हो गई है यार बेवकूफी की, प्लांटेशन SST में पढ़ा था बिल्कुल। तो वो मिट्टी खराब क्यों होती थी मेरा बेटू, वो मिट्टी खराब होती थी क्योंकि उसके चारों तरफ वेस्ट एक्सक्रीट होता था, तो थोड़े टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए वो खराब हो जाती थी। और लास्ट क्या है, बाय रिमूविंग फ्रूट्स एंड सीड्स। चलो भैया इतनी कहानी खत्म हो गई,